मदरसे पहुँचते हैं, उनको जो है ना वो राशन देते हैं क्योंकि उनके पास राशन की कमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदके हम सब ठीक हैं। हम सब की दुआ है आप सब भी हमेशा ठीक रहें। तो जी, ये मदरसे के बच्चों का जो राशन का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमने हल कर दिया है। माशाल्लाह, सबसे पहले राशन लेने से पहले मैंने ये सोचा ये पकाएंगे किस में, तो उसके लिए साहब पकड़ो, शर्माओ नहीं। सबसे पहले जी खोलो, तो वो पतीला लेके आए, एक इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये दूसरा आ गया, उसमें सालन और इसमें चावल बनाओ जो आपका दिल करे, 7 चम्मच। अच्छा जी, चीनी 7 जो है ना, वाइटल भी है, आपकी चाय भी है, ठीक है जी। दालें आपके पास तीनों मौजूद है, जो दिल करे आप बनाए। चावल है, जब दिल करे आप बना सकते हैं। उसके बाद घी, उसके बाद सिवैयाँ, ठीक है जी। मैंने इसलिए लिया क्योंकि घर में जब हम रहते हैं, जब भूख लगती है तो माँ क्या करती है, सिवैयाँ बना के देती है, तो आपने ये बनानी है, ठीक है जी। और साथ ये आपने, अच्छा इनके साथ, हाँ जी ये है, अच्छा लेमन मैक्स है, ठीक है जी। ये आपने इन बर्तनों को साफ करना है, ठीक है, अच्छे से तरीके से, ताकि आपको जो है ना वो जराशीम ना हो। उसके बाद आपका तेल है, ठीक है, बाकी मिर्चा है, हल्दी है, और साथ आपका बुरश है। आप मिसवाक भी करते हैं वो भी अच्छी बात है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो है ना दांत ख़राब ना हो, ख़राब ना रहे, तो आपने ये बुरश भी करना है साथ में, ये लेके आया हूँ। जब आप नहाते हैं तो फिर कंघा करेंगे, ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है जी। ये बड़े वाली और ये छोटी, ये जुएं भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, घर में हम निकालते हैं ना, शर्माने वाली क्या बात है। और ये आपका जी वॉशिंग पाउडर है, आप कपड़े धोएं, और ये आपका नहाने वाला, हाँ जी वॉशिंग मशीन ला के दें, इंशाल्लाह वो भी ला के देंगे, ठीक है, ताकि आप जो है ना बर्तन। उसके बाद मैं जब जो है ना आपको खाना खिलाने के लिए आया था, आपके पास ये जग नहीं थे, ठीक है जी, मैं किराए के लेके आया था, इसलिए आज 2 जग मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ, ये आपके अपने हैं आप, ठीक है, उनके साथ 4 गिलास हैं, और ये आपकी प्लेटें, इसमें जो है ना आराम से दो बंदे आराम से खा सकते हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए इनके पास बर्तन नहीं थे। तो ये साथ ये क्या है, वैसलीन, ये क्योंकि सर्दियाँ हैं, आप सुबह ठंड में जो है ना वुजू बनाते हैं, तो इसलिए आपका जो है ना हाथ मुंह खुश्क हो जाते हैं, तो आपने ये रात को लगा के सोना है, तो इंशाल्लाह अटेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है जी। अब आप खुश हैं माशाल्लाह, अब आप दुआ करें, बड़े मौलवी साहब खड़े हैं, भैया दुआ फरमाएं बहुत सारी, ठीक है जी। और सुनो, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, हर 15 दिन के बाद इंशाल्लाह हम आपको ऐसा राशन देंगे। अब आपके लिए कोई परेशानी तो नहीं है, है कोई, इंशाल्लाह दुआ फरमाए, आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन। चीजें जो है ना मैं लेके आया हूं, अगर इसमें से मैं भूल भी सकता हूँ, ठीक है ना, कोई चीज रह जाए तो आपने फिर मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है, ठीक है। ये यहाँ से जो है ना प्लास्टर भी करनी है, अभी पैसे नहीं है इसलिए ये काम जो है ना हमारा रुक गया है। और अंदर की अगर मैं बात करूँ तो अंदर फर्श लगाना है, तो ये आप देख रहे हैं फर्श लगाना है, इसके लिए जो है ना हमें टस्सू उठाना पड़ेगा नीचे लगाने के लिए, तकरीबन 2500-2600 जो है ना टस्सू लेना पड़ेगा। तो ये जो है ना इन्होंने पहले से ही बनाई हुई थी रोटी वगैरह, ये सारा कुछ, ये इनका मैंने बर्तन वाला साबुन मैंने इसलिए आपका लिया है, ताकि ये जो बर्तन होते हैं ना जब खाना बना लो उसके बाद आपने धोने हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो सालन के अंदर जो है ना सालन कम होता है इसलिए पानी डाल रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह इनके लिए ये परेशानी नहीं होगी, सालन ये अपनी मर्जी से बनाएंगे, और बिल्कुल ज्यादा बनाना है, ठीक है, सुन रहे ना, आप ज्यादा बनाए,
बेशक बच जाए लेकिन काम ना हो बच्चों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट है सबसे बड़ा है जो माशाल्लाह, जो कि कारी साहब के बाद यही बच्चों को संभालते हैं। मुझे सिर्फ आप ये बता दें दो बातें, एक कारी साहब को कोई कुछ देता है? कुछ नहीं देता। कोई कुछ नहीं देता? कोई कुछ नहीं। तावन नहीं करते? नहीं। मोहल्ले वाले कोई पैसे वगैरह देते हो? कुछ नहीं देता, बस जब छुट्टी होती है ना। हाँ जी। फिर एक दो ट्यूशन है, वो 4-5 हज़ार हो जाता है वहीं से। अल्लाह अकबर। वहीं से कारी साहब जो है ना, जब इनको वक्फा देते हैं, इनको पढ़ा के फिर जो है ना घर जाके दो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वहाँ से 4-5 हज़ार भैया फरमा रहे कि उनका बन जाता है, उनसे घर चला रहे हैं। और मोहल्ले वाले कुछ पैसे नहीं देते कारी साहब को। पकाने वाला हो तो बेहतर रहेगा। पकाने वाला हो तो बेहतर रहेगा। अगर कुक अगर हम यहाँ पे ले आए तो वो कितनी जो है ना उसकी तनख्वाह बनेगी, उसको कितने पैसे दें? वो तो वही बताएगा ना। फिर भी कुछ अंदाजा यहाँ से भी, कोई ना कोई कुक पहले तो यहाँ था ना एक बंदा, तो अगर वही बंदा वापस ले आए तो कितने पैसे लेगा? क्या पता, महीने का 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार लेगा एक माह का शायद। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना एक पहले कुक था, और मैंने आपको बताया था जो कि इस मदरसे को चला रहा था, एक बंदा वो फौत हो गया था, तो उसके बाद कुक की भी छुट्टी कर दी गई क्योंकि कोई कुछ देता नहीं था। तो इस वजह से 7-8 हज़ार रुपये में जो है ना इनका कुक भी हम रख सकते हैं, ताकि बच्चे जो काम करने के लिए आए, पढ़ने के लिए, वही काम करें आराम से। वैसे भी सर्दी है तो बच्चे कैसे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह राशन के साथ साथ हमने ये काम भी करना है कि इनको कुक रख के देना है, जो बनाए इनका खाना दो टाइम का, सुबह और शाम का, तो उसको हम इंशाल्लाह ताला आज जो है ना पैसे देंगे। अच्छा माशाल्लाह से ये जो मैं कंघी अभी लेके आया हूँ, भाई जो है ना कंघी कर भी रहा है, हैं माशाल्लाह। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तेल भी है वो भी लगाया करें अपनी, ठीक है। जिस तरह घर में दोनों जो है ना दो बहनें होती हैं, वो अपने जुएँ देखते हैं, तो इधर आप भाई हैं तो आप जो है ना मिल के एक दूसरे की जुएँ देखा करो, कोई गलत बात थोड़ी है। भैया आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई सब्जी वाली दुकान है जहाँ से आपको डेली फ्रेश सब्जी मिले? जी है। आपको डेली की डेली वहाँ से सब्जी मिले? जी है। हम उन्हें कह दें, उनको पैसे जो है ना हम देंगे, आप डेली की डेली जो है ना सब्जी लेके आ जाओगे? जी है। है साथ है जी। चले इंशाल्लाह, फ्रेश मिल जाती है और गोश्त भी इंशाल्लाह। वो दुकान वाले को हम कह देते हैं, वो डेली का डेली इनको ये जो है ना खुद जाके फ्रेश सब्जी भी लेके आएंगे बनाने के लिए, और ताज़ा गोश्त भी इंशाल्लाह ताला ले आएंगे। तो इसको प्लास्टर भी करना है, अंदर फर्श भी लगाना है। भाई फिर करे साहब बता रहे थे काम रुक गया, हमारे पास पैसे नहीं है, कदम के 2-4 गेटू पड़े हैं, उसको भेज कर काम कराते हैं। अल्लाह अकबर। 2500 से 2600 जो है ना टस्सू ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद सीमेंट की बोरियां, तो इनका काम फाइनल हो जाएगा। बड़े दुख की बात है कि बच्चा फरमा रहा है, कारी साहब फरमा रहे हैं कि जो है ना हम गंदम बेचते हैं क्योंकि हमारा काम रुक गया है। 15 से 20 हज़ार में इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा, अल्लाह ताला रहम फरमाए। दुआ में हमें याद रखे, हमारी दुआ का आप हमेशा से हिस्सा इंशाल्लाह हिस्सा रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।